पत्री जी से आप बहुत साल पहले मिले और आप अभी तक यू हैव ऑलवेज रिमेंबर्ड पत्री जी इन योर माइंड क्या क्या आपका फर्स्ट मीटिंग कैसा था और क्या आपने सीखा उनसे देखिए सबसे पहली बात तो आ, मैं तो देखिए भारत में तो आप जानते हैं सब बड़े बड़े गुरु के नाम बहुत सारे हैं सब आपसे जानते हैं मैं उनका नाम नहीं लूंगा लेकिन एक ऐसा भी सदगुरु हो सकता है क्या जो गुरु की तरह रहते ही नहीं है हम जाके उनके पहुंच हुए तो वो हमारे पहुंच हुए यानी कि और ना वो गुरुडम की तरह जैसे बोलता ना कि कहीं ऐसे दो चार लोगों के साथ आके ऐसे बैठ रहे हैं और वो अपने शिष्य बनाए जा रहे हैं तो ये सब उनके अंदर नहीं था और सबसे बड़ी बात जो मैंने पत्री जी में ओनली मास्टर इन गुरु एक प्रकार से जिन्होंने हर गुरु की सुगंध को दुनिया के सामने आए वो उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं सब कुछ जो मैं बोल रहा हूँ वही सब कुछ है वही सब कुछ सत्य है ऐसा कभी उन्होंने किसी को बोला भी नहीं और उन्होंने कहा कि अरे इस ये फूल भी है इसकी सुगंध भी लो देखो ये फूल भी है इसकी सुगंध भी लो तो उन्होंने चाहे छोटा घास का फूल था कि बड़ा गुलाब का फूल था उन्होंने हर फूल को रेस्पेक्ट दिया हर गुरु को उन्होंने एक्सपोज़र दिया आज उनकी स्पिरिचुअल इंडिया जो मैगज़ीन है उसके अंदर उन्होंने आज विदेश से लेकर भारत के हर गुरु को उन्होंने है ना तारीफ की है उसके उसके फिलोसफी उसके लाइफ के बारे में उन्होंने जानकारी दी है आज मुझे भी बहुत सारे गुरुओं के बारे में जानकारी नहीं थी आज मुझे स्पिरिचुअल इंडिया और पत्रि जी कारण मुझे सब जानकारी मिली कि अरे बाप रे इतने तरह से गुरु दुनिया में काम कर रहे हैं तो देखो ना ये आज तक कौन से गुरु ने किया मुझे आज तक समझ नहीं आया मैं तो कभी किसी गुरु को देखा नहीं कि वो दूसरे गुरुओं की तारीफ कर रहा है ऐसा होता है ना तो ही वॉज द गुरु जो दूसरे गुरुओं को बोलते ना मुझे लगता है उनको भगवान ने इसलिए भेजा था कि सारे गुरुओं को एक साथ प्लेटफॉर्म पर लेके आ जाओ मुझे ऐसा लगता है शायद इसलिए गुरु ने उनको भेजा है ऐसा लगता है